जय दोस्तों, जय माँ का स्वागत है पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मुद्गर से लॉस। दरअसल कई सारे हमारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुद्गर से लॉस, टूटा हुआ मुद्गर मिलने से लॉस होता है, लेकिन मुद्गल की केयर कैसे करना और उसकी लाइफ कम से कम 50 साल कैसा लेके जाना, यह आज मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मेरे पास भी मेरा ये 12 साल पुराना मुद्गल है, आज तक सर्विस में है, लेकिन इन्हें थोड़ा नीचे से तड़क गया। थोड़ा जूम करो, जूम करो इधर, अच्छा बताओ भाई। यही नहीं, बड़े बड़े मुद्गल भी है मेरे पास। और तो दोस्तों, बहुत ही मामूली चीज़, ये ग्लू सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का है। इसको लेके पहले तो हम लोग इसको भर देते हैं। हो सके उतना गहराई से इसको भर देना दोस्तों, ये एकदम बढ़िया तरीके से, जितना ये हो सके। इसके बाद होगी इसकी मालिश। ये नीम की लकड़ी दोस्तों कभी खराब नहीं होती, इसमें कम से कम कीड़ तो नहीं लगता। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि कभी भी इसके ऊपर कोई पेंट नहीं रहना। आजकल तो प्लास्टर भी लगा रहे ताकि आपको क्रैक्स नहीं दिखना भूल के, लेकिन बाज वक्त वो अंदर से लकड़ी ख़राब रहती। और कई सारे ऐसे धोखेबाज है जो के बोलते शीशम की लकड़ी, कई जगहों पे शीशम बैंड है। ये देखिए दोस्तों, जितना भी हो सके उतना लगा देना। पूरा भरने के बाद ये एक्स्ट्रा आपको निकाल देंगे। और इसको अच्छे से होने के लिए एक छोटी सी काड़ी लेके अंदर मारना ऐसा। एकदम अच्छे तरह से इन्हें भर गया। ये देखिए दोस्तों, फिर इन्हें 10-15 साल के लिए मजबूती पकड़ लेती लकड़ी। अब इसको तेल की मालिश, जिसके लिए हम साधारण तेल में हल्दी मिलाए, एकदम नॉर्मल तेल में नीम के पत्ते उबाल के इसके अंदर आप देख सकते हैं, नीम के पत्ते और हल्दी, इसकी सर्विस और भी ज़्यादा हो जाएगी। लगाओ ऐसा, इधर नहीं लगाना, अभी भी याद रखो दोस्तों, इधर नहीं लगाना तेल, यहाँ पे लगा सकते हैं आप। अच्छा लो, आपने पूरा हल्दी, नीम का पत्ता और तेल इतना कारगर रहता है ये, आपको खाली ये उठाने से, जब आप इस कांधे का मुद्गल का स्थान, अपना कांधा है, कई सारे स्थान है जिसमें स्पेशली आपका कांधा आता है, आपके कंधे से और जब गर्दन से इन्हें टच में आएगा तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स ही देगा। जैसे कि आप सभी को मालूम, नीम और हल्दी इतनी बड़ी औषधि अपने आप में। बराबर से दोस्तों इसको मालिश करते रहिए, वेट जिनको ज़्यादा बढ़ाते रहना है नीचे तक लो मुद्गल का, इससे वेट भी बढ़ेगा और कुदरती एक चमक आएगी मुद्गल में। तो दोस्तों ये था, यहाँ पे भी डालो, थोड़ा ऊपर डालो, ऊपर लाओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं आना, नहीं यहाँ पर थोड़ा ही डालना, इसकी लट्ठू पे ज़्यादा नहीं डालना, बस ऐसा ऊपर ऊपर से ही, ताकि तेल स्लिप होकर नीचे नहीं आना। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, यहाँ पर आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, लेकिन लट्ठू के ऊपर ज़्यादा तेल नहीं डालना, क्योंकि स्लिप होगा अगर मुद्गल घुमाते हो आपके हाथ से स्लिप हो सकता है। तो ऐसी गलती मत करिए, थोड़ा ही लगाइए इधर, काफ़ी है इसको, थोड़ा सा 50 ग्राम भी तेल पर्याप्त है इसके लिए, 50 ग्राम या 100 ग्राम जैसा आपके पास मुद्गल है, जो साइज़ है आपके पास मुद्गल का, चलाओ जो साइज़ है आपका मुद्गल का आप देख लीजिए और रोग मुक्त रहिए। मेरे पास बड़े से बड़ा मुद्गल है फिलहाल, तो आपको ये छोटा 5 फीट 5.5 फीट का बता रहा हूँ, इसके अंदर भी क्रैक्स आ गए थे। इसके अंदर तो सीधा 3-4 फीट का, यानी पूरा 5 फीट का भी क्रैक है,
इसको भी मैं सेम प्रोसेस जो भी मैं आपको बताया और इसकी मालिश हल्दी और तेल से, इसको मैं लिया था जब इसका वेट अलग था। आज इन्हें खुद में 5 से 6 किलो तेल पी के वेट गन करा। मेरे को भी आया था पहले थोड़ा, अरे मैं लेके मुद्दल जल्दी तो निकल लिया, इसमें तड़ाका गई इन्हें टूट जाएगा क्या बोल के। लेकिन मेरे पिताजी जो कि मेरा गुरु भी है, उन्होंने इसका ज्ञान मुझे दिया कि कभी भी मुद्दल रहें दो या लट जो घुमाते अपन, उसको तेल और हल्दी नीम के पत्ते से उबाल के लगाए तो उसकी लाइफ और बढ़ जाती। हमारे पास खुद 400 साल पुराना मुद्दल, 200 से 250 साल पुरानी हसली, 200 से 250 साल पुराना डंबल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल।